नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक राज मिश्रा। भारतीय टीम के 73 खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के लिए मुसीबतें बढ़ती दिख रही हैं। उनके ऊपर चल रहे SC ST एक्ट ने नया मोड़ ले लिया है। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या पे आरोप है कि उन्होंने ट्विटर हैंडल से भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कथित रूप से अपशब्द लिखे थे। इस मामले में जोधपुर के लूणी थाने में इस्तगासे के जरिए DR मेघवाल ने पांड्या के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। पांड्या ने इस FIR के निरस्त करने के लिए विशेष रूप से यह दलील देते हुए आग्रह किया था कि जिस विवादास्पद ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट की गई है वह उनका अधिकृत ट्विटर हैंडल नहीं है। इस मामले में हाईकोर्ट ने 13 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता पांड्या के विरुद्ध कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता ने एक विविध आपराधिक याचिका पर सुनवाई कर राज्य के अधिकारी से कहा कि जांच अधिकारी को निर्देश दे कि वे इस दृष्टिकोण से जांच की विस्तृत जांच रिपोर्ट अगली सुनवाई तक पेश करें। अगली सुनवाई 28 जनवरी को मुकर्रर की गई है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकेट केसरी के साथ।